जागो सोने वालो सुनो सुनो मेरी कहानी। मैं हिंदुस्तान हूं, आज मैं एक बार फिर गुलामी की ओर बढ़ रहा हूं। आज मेरे सामने चीन एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हुआ है और दुख इस बात का है कि उसको मेरे सामने खड़े होने की ताकत भी आप ही दे रहे हैं। आज चीन मेरी राह में निरंतर रोड़े अटका रहा है, चाहे वो पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को समर्थन देना हो या फिर मेरी सीमाओं पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना हो। चीन मेरे मार्ग में अवरोध बनकर खड़ा है। आपको 1962 नहीं भूलना चाहिए, जब भाई बनकर चीन ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा था। आज एक बार फिर उसी चीनी ड्रैगन ने सर उठाया है। वो मुझसे मेरी सीमाओं पर तो लड़ ही रहा है, लेकिन इस बार उसने अपनी लड़ाई में आप जैसे मेरे आम नागरिकों को भी अपना हथियार बनाया है। आप ही इस लड़ाई में उसकी ताकत बन रहे हैं, आप ही उसको बलवान बना रहे हैं। जो हथियार वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, उसको वो हथियार भी आप ही दे रहे हैं। आप जाने अनजाने उसके हाथों की कठपुतली बन गए हैं। चीन अपने यहां बने घटिया सस्ते सामान को मेरे बाजारों में भेज रहा है और थोड़े से पैसे बचाने के लालच में आप वो सामान अपने घरों में ले जा रहे हैं। इससे मेरे यहां बना सामान चीन के सामान के सामने महंगा होने की वजह से बिक नहीं पा रहा। इसके चलते मेरी धरती पर चलने वाले उद्योग धंधे चौपट होते जा रहे हैं। मेरे कामगारों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। मेरी धरती पर बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। मेरे युवाओं को काम नहीं मिल रहा। मेरे यहाँ से धन कमाकर चीन पाकिस्तान को मेरे ही खिलाफ शह दे रहा है। मेरी सीमाओं पर चीन निरंतर घुसपैठ करने की कोशिशें कर रहा है। अभी डोकलाम में मेरी सरकार और मेरे जवानों ने चीन की दादागिरी का जमकर मुकाबला किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब एक लड़ाई आपको लड़नी है। इस लड़ाई की शुरुआत स्वदेशी जागरण मंच ने कर दी है। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा हस्ताक्षर चीनी सामान को मेरे बाजारों में न बिकने देने के लिए आम लोगों ने किए हैं। रक्षाबंधन पर इस बार मेरे देश की बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर कलावा बांधकर रक्षा का वचन लिया है। मेरी धरती पर वीर जवानों के त्याग और बलिदान का सम्मान किया है। चीन की बनी राखी न बिकने से उसे खासा नुकसान हुआ है। चीनी सामान के खिलाफ ये जंग अभी भी जारी है। अब एक मौका और आया है। आप संकल्प लें, इस दिवाली आप अपने घर में चीनी पटाखे और सजावटी लड़ियां नहीं लाएंगे। इस बार स्वदेशी दीपकों और पटाखों से न केवल अपनी दिवाली को रोशन करेंगे बल्कि लाखों परिवारों को भी खुशियां देने का काम करेंगे। 29 अक्टूबर 2017 दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान के देशव्यापी यज्ञ की पूर्णाहुति है। आप अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचकर विदेशी चीनी सामान के बहिष्कार का संकल्प लें। याद रखिए, विदेशी सामान का बहिष्कार खुशहाल समृद्ध भारत का आधार।